हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि दोस्तों, ये क्लास्कर मोटर है 1 HP, ये 2800 RPM में है। इसमें 10 MFD का कंडेंसर लगता है। तो देख, इसी के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखेंगे इसमें क्या कमी है, फिर इसको ठीक करने के बारे में बताएंगे। तो ये देखिए, ये सिलो में चल रहा है, यानी RPM पूरा नहीं ले रहा है। तो चलिए हम इसी के बारे में बताएंगे। तो मोटर को अब हम खोल लेते हैं। तो हवा वाली ये पंखुड़ी जो है, इसे निकाल देते हैं और अब मोटर के नेट को खोल देना है। ये 8 नंबर नेट लगा हुआ है, तो 8 नंबर गुटके से हम इसे खोल देते हैं, बड़ी ही आसानी से खुल जाता है। तो ऐसे ही खोल लेना है। ये देखिए, ये नेट सड़ा हुआ था, ये टूट गया। चलिए अब हम मोटर को ये देखिए, मोटर में लगता है कि जला हुआ नहीं है। तो इसे हम देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, ये चल क्यों रहा है सिलो। ये देखिए दोस्तों, ये जहाँ से लीड निकली हुई है कामन करके, वहाँ पर जला हुआ है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि आप इसे कैसे सही कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी मिट्टी लगी है, पहले उसे हम साफ़ कर देते हैं और हम फिर बताएंगे आपको कि ये कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जहाँ पर मोटर जला हुआ है, वहाँ पर धागे को काट देते हैं। ऐसे ही धागे को काट लेना है और धागे को बाहर निकाल लेना है, जहाँ तक ये लीड बंधी हुई है बस वहीं तक धागे को काटना है। अगर मोटर स्लो चलता है तो इसमें यही दिक्कत आ जाती है। तो काफ़ी लोग हैं परेशान हो जाते हैं और मोटर खोल कर देखते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है कि दिख भी नहीं रहा है और मोटर जला भी है, तो वो परेशान हो जाते हैं। ये देखिए, ये जला हुआ है। यही ये रहा, स्टार्टिंग का वायर जला हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सही करते हैं। तो इसे हम काट देंगे, फिर इसको हम जो ऊपर का PVC लगा है उसे हम निकाल देते हैं और फिर हम वायर उसे भी PVC उसका भी उतार देते हैं। और इसे अब हम जॉइंट कर देंगे। यही पर जला हुआ था, यही दिक्कत थी। अब ये मोटर चलेगा सही, स्पीड भी सही होगी। अब इसे हम 3 नंबर स्लिप लगा देते हैं ताकि स्पार्क ना करे।
तो देखिए ऐसे ही आपको भी अगर मोटर स्लो चल रहा है तो ऐसे आप सही कर सकते हैं घर बैठे ही बड़ी ही आसानी से। तो ये देखिए इसकी बैरिंग भी जाम है, आवाज़ कर रही है, तो आपको इसी में भी बताएंगे कि आप बैरिंग वाटर सील आप कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि आवाज़ ना करें। तो इसमें ये 10 नंबर नट लगा हुआ है, इसे 10 नंबर गुटके से हम खोलेंगे। देखिए बड़ी ही आसानी से खुल गया है। अब चलिए ये जो एम्पलेलर में नेट लगा हुआ है ये 17 नंबर का है, तो इसमें हम 17 नंबर तमिया से खोल लेते हैं। ये देखिए बड़ी ही आसानी से खुल गया। अब ये एम्पलेलर भी खोल देते हैं। और चलिए अब बैरिंग को निकाल देते हैं। दोनों बैरिंग निकाल लेते हैं। ये बैरिंग 6202 की है, आगे और पीछे वाली दोनों 6202 की लगेंगी। और इसमें जो वाटर सील लगेगी यानी सील वो लगेगी 12 mm की। तो चलिए हम पहले बैरिंग को लगा देते हैं, ये 6202 की है। अब इसमें हम आपको वाटर सील, देखिए ऐसे ही वाटर सील को लगा लेना है। चलिए अब ऐसे ही धोरे को अब लगा लेना है। ये देखिए अभी ये रही सील, इसे भी हम इस तरफ से लगाएंगे जिस तरफ पत्थर होता है। ऐसे ही आप घर बैठे वाटर सील बैरिंग सब चेंज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब एम्पलेलर को लगा लेते हैं। अब फिर नेट से उसे टाइट कर देते हैं। चलिए अब हम फिर इसे सेट कर लेते हैं। अब आवाज़ बिल्कुल नहीं करेगा।
इसे ढंग से टाइट कर लेना है, वरना ये लीक करेगा तो प्रेशर नहीं बनाएगा। तो इसे ढंग से टाइट कर लेना है। चलो ये टाइट हो चुका है, अब चलिए हम मोटर को फिर से सेट कर लेते हैं। तो ये पीछे वाली भी बैरिंग लगा लेंगे पहले। ये रही, अब ऐसे ही सेट कर लेंगे। तो इसे अब ढंग से टाइट कर लेना है और फ्री कर लेना है ढंग से, कि ताकि दिक्कत ना करे। अगर मोटर फ्री नहीं रहेगा तो हीट करेगी मोटर और ख़राब हो सकती है। तो ऐसे ही ढंग से टाइट कर लेना है और मोटर को फ्री कर लेना है। अभी हम आपको अब चला कर दिखाएंगे, देखिएगा आवाज़ भी नहीं करेगी और चलेगी भी आसानी से। हेलो, मोटर फ्री हो चुका है। तो मोटर देखिए फ्री हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, और उस वीडियो को आप देखकर अपना कोई भी मोटर सही कर सकते हैं। ये देखिए मोटर चलने लगा, देखिए बड़ी ही आसानी से सही ठीक हो गया।